अनुकंपा नियुक्ति को लेकर 400 किलोमीटर दूर छतरपुर के एक छोटे से गांव से आया गरीब दिव्यांग युवक अंशुल गौंड आदिवासी भोपाल में भटकने को मजबूर है। नियुक्ति को लेकर कभी मंत्रियों के बगलों के चक्कर काट रहा है तो कभी शिक्षा विभाग के कार्यालयों में हाजिरी दे रहा है, लेकिन हमारे सिस्टम को इस दिव्यांग पर तरस नहीं आता। मंत्रियों विभाग ने या तो आश्वासन दिया या फिर नियमों का तकाजा रखा। कागजी हेरफेर और नियमों में उलझे इस दिव्यांग और उसकी पत्नी को अब आस है तो सिर्फ प्रदेश के मुखिया और मामा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से। छतरपुर के एक छोटे से गांव परसनिया से भोपाल अनुकंपा नियुक्ति को लेकर आए गरीब दिव्यांग को अनुकंपा नियुक्ति तो नहीं मिली, मगर आश्वासन जरूर मिला। दरअसल 2015 में अंशुल गौड़ की मां कमलेश गौड़ का देहांत हो गया था। वे अध्यापिका के पद पर नियुक्त थी, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद अंशुल गौड़ करीब 6 साल से अनुकंपा नियुक्ति के लिए जिला शिक्षा अधिकारी और शिक्षा विभाग और मंत्री के बंगलों के चक्कर काट रहे हैं। अंशुल गौड़ ने बताया कि 2015 में जिला शिक्षा अधिकारी ने उनके बैंक अकाउंट में 1,00,000 रुपए डाले और उनकी नियुक्ति को ये कहकर अटका दिया गया कि उनकी अनुकंपा नियुक्ति का निराकरण हो गया है। कई कारण और नियमों के हवाले भी दिए गए। वहीं पीड़ित का कहना है कि उनको पैसे नहीं चाहिए, वे पैसे वापस कर देंगे, उनको उनकी अनुकंपा नियुक्ति दिलाई जाए। जिला शिक्षा अधिकारी एस के शर्मा ने बताया कि यह पहले भी कई अखबारों में प्रकाशित हो चुका है, वे नियमों से बंधे हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। अब ये कैसा नियम और कौन सा कानून का सिस्टम है जो एक दिव्यांग का अधिकार छीन रहा है। अनुकंपा नियुक्ति को लेकर के आए थे और हम 6 साल से अनुकंपा नियुक्ति के लिए भटक रहे हैं। छतरपुर से आए हैं और हमारी मम्मी आग लगने से 2015 में उनकी मृत्यु हो गई थी। वो अध्यापक के पद पर कार्यरत थी और 2015 से अभी तक हमको अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिली है। हम सीएम साहब के यहाँ भी जा चुके हैं, सिर्फ मतलब हर जगह आश्वासन मिल जाता है कि आपको हो जाएगा। 6 साल हो गए, 6 साल से भटक रहे हैं। जिला शिक्षा अधिकारी ये पूरी तरह से अपनी मनमानी कर रहे हैं। जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा 1,00,000 रुपये 2015 में हमारे खाते में डाल दिया गया है। बोल रहे हैं कि अनुकंपा नियुक्ति का निराकरण हो गया, जबकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये राशि मुझको नहीं चाहिए, अपनी राशि वापस लेकर के मुझको माँ की जगह पे अनुकंपा नियुक्ति दें। मेरी 4 सयानी बहनें, माता पिता की मृत्यु हो गई, मैं अकेला विकलांग हो गया हूँ। अगर न रहने के लिए घर है, अब बताइए हम आदिवासियों के लिए इतना मामा करते हैं, कोई योजनाओं का लाभ नहीं मिलता, दर दर आज भटक रहे हैं। 6 साल हो गए अनुकंपा नियुक्ति के लिए। अब आज मंत्री जी के पास आए थे, शायद हमारी मंत्री जी तो नहीं मिले हैं, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया है कि शायद कुछ ना कुछ करेंगे। अब लेकिन देखिए वहाँ जा रहे हैं लोक शिक्षण संचालनालय, वहाँ बोला है सर ने कि वहाँ चले जाओ। कलेक्टर साहब बोलते हैं कि हमारी मम्मी संविदा में थी, जबकि हमारे पास लेटर है कि हमारी मम्मी अध्यापक के पद पर कार्यरत थी। संविदा का अगर कोई मामला होता तो हम खुद नहीं आते अनुकंपा नियुक्ति के लिए। हमारे पास पूरे लेटर है कि हमारी मम्मी अध्यापक के पद पर कार्यरत थी। अंशुल गौड़ खुद के पैरों पर खड़े नहीं हो पाते, इसीलिए उनकी पत्नी उनको गोद में उठाकर दफ्तरों और मंत्री के बंगलों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। अंशुल गौड़ की पत्नी ने बताया कि वे 6 साल से अधिकारियों के ऑफिस के चक्कर काटकर परेशान हो चुकी हैं, उनकी कोई मदद नहीं कर रहा है। स्कूल के द्वारा उनके अकाउंट नंबर लिया गया और बिना बोले पैसा डाल दिया गया। अब वे नियुक्ति को लेकर स्कूली शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के पास आए हैं, शायद यहाँ से उनकी कोई मदद हो जाए। मैं इतनी ज़्यादा परेशान हूँ कि छतरपुर से आई हूँ, मैं यहाँ भोपाल में हूँ। यहाँ पे मतलब सीएम साहब से मिलने के लिए आए, ना तो मिलने दिया जा रहा मुझे, ना ही कुछ बोला जा रहा कि मतलब कि आपको मिलवा देंगे क्या, कैसा कुछ नहीं। मैं भटक रही हूँ इधर इधर उधर, ना मेरे पास रहने के लिए घर है, ना ही कोई चीज़ है। मेरे हस्बैंड भी विकलांग है, मैं अनुकंपा नियुक्ति के लिए इधर उधर भटक रही हूँ। वहाँ से बोल देते हैं जाके भोपाल से कराइए, भोपाल आते हैं तो इधर घूमते रहते हैं हम, कोई सुन नहीं रहा भाई इधर उधर। हम मामा जी से इतनी गुजारिश करते हैं कि कम से कम हमारी नौकरी दे दीजिए, जिससे हम अपना घर चला सकें। देखिए सर, इसमें साफ लिखा है कि 1,00,000 रुपए की राशि लेने हैं, तो सहमत नहीं है। अंशुल गौड़ खुद जिला शिक्षा अधिकारी बोल रहे हैं, उसके बाद भी मतलब इतना परेशान है कि अब जब जबरदस्ती खाते में राशि डाल दी, अब उसके बाद हम बोल रहे हैं कि आप हमसे वापस लीजिए, क्यों नहीं ले रहे हैं बताइए। 1,00,000 रुपए में हमारी पूरी नौकरी चार पर रख दी, 4 महीने बताइए अब क्या करें। जबरदस्ती मार परेशान करें, पड़े बहुत ज्यादा परेशान करें, मतलब हद से ज्यादा। दिव्यांग अंशुल गौड़ के घर में उनके अलावा उनकी 4 बहनें हैं, घर में आजीविका चलाने का कोई और साधन नहीं है। पीड़ित परिवार का कहना है कि अगर यह अनुकंपा नियुक्ति मिल जाती तो वे अपनी बहनों का भरण पोषण कर पाते। उनके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनकी बहनों की पूरी जवाबदारी उनके कंधों पर है, लेकिन वे भी दिव्यांग हैं। अगर यह अनुकंपा नियुक्ति उन्हें नहीं दी गई तो वे घर कैसे चलाएंगे। अब यह कैसा सिस्टम है
कैसे अधिकारी और कैसे जनप्रतिनिधि हैं जिनको इस परिवार के लोगों के आंसू नहीं दिखते, इनकी पीड़ा समझ में नहीं आती। नियम कानून लोगों के हित के लिए बनाए जाते हैं, पीड़ित परिवार को अब आस बची है तो सिर्फ मामा और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से। पीड़ित परिवार ने कई बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने का प्रयास किया, लेकिन वे मुख्यमंत्री से नहीं मिल सके। पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर पूरा भरोसा है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।